अभी बज रहे हैं 7 और मैं तो जाती हूँ 5 बजे। तो अभी बन गया है, मेरा चाय पिप गई है और नाश्ता बन गया है। तो नाश्ते में बने हैं पोहे, तो पोहे बन चुके हैं। तो देखिए मैंने अपने लिए ले लिए हैं पोहे। और आज मैं सब्जी में बनाऊंगी ककोरा की सब्जी। तो ये मम्मी ने काट दिए हैं ककोरा और मैंने इनको थोड़ा सा उबाल भी लिया है, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए मैंने इसके लिए देखिए बहुत सारी प्याज काटी है। तो देखिए कितनी सारी प्याज है, इतने ककोरे नहीं है उतनी प्याज है, क्योंकि प्याज से ककोरे में अच्छा टेस्ट आता है। प्याज ककोरा की सब्जी हुई और करेला की, इन सब में प्याज बहुत डलती है। पर हम क्या कर रहे हैं है? देखो जी पुआ कैसे खाए, पूरे में तो पुआ परम तो रोएगा तो नहीं पिछली बार जैसा है, उस दिन जैसा रोना मत कि नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं, ऐसे मत करना। नहाएगा पानी में झरने में झरने तो उसमें नहाएंगे ना, पानी तो आता उसमें भी तो आता पानी, उसमें भी आता पानी। राधे राधे सभी को, राधे राधे। अजय बोलो कि हमारे चैनल को बोलो कर दो हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, हाथ जोड़ के बोलो प्लीज। अभी बोला सही नालायक ने। तो मैंने इनको उबाल लिया था पानी में थोड़ा सा, और फिर मैंने जब ये ठंडे हो गए तो मैंने उनको थोड़ा निचो लिया है, जिससे कि इसमें जो पानी था एक्स्ट्रा वो निकल गया है। बस थोड़ा और सेकना है इसको, और फिर इसमें डालेंगे मसाला। तो मसाले का पेस्ट मैंने बना लिया है और मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, प्याज सिक चुकी थी अच्छी तरह से। तो और ये रोटी का टाइम हो गया था तो फिर मैंने रोटी भी सेक ली। तो ये मसाला सिक चुका था अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ककोरा और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए गाइस हमारे यहाँ कितने सारे गेंदा के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए पूरे में गेंदे गेंदा के लगे हैं। और अभी ये छोटे हैं तो अभी इनमें बौड़ी नहीं आई हैं, ये बहुत छोटे हैं अभी। और देखिए मैंने कम से कम 1 महीना हो गया होगा इसको, तब ये लगाया था गुलाब का पौधा, तो इसमें देखिए कितनी सारी पत्तियाँ आ गई हैं। तो गाइस ये है मूंग, मूंग की कौस है ये, तो इसमें कुछ तो ये अभी हरी हरी हैं, तो ये अभी सूखी नहीं है और ये कुछ सूख गई हैं, तो ये हमारे घर पर ही लगी थी। तो अब जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगी, ऐसे जो अभी हरी है तो ये सूखने के बाद ऐसी हो जाएगी, तो फिर इनको कूट कर इसमें से निकालें मूंग की दाल। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसी है। देखिए ये है मूंग की दाल, देखिए अभी कितनी हरी है ये, और अभी ये पत्ती अभी सूखी नहीं है ना इसकी कौंस, तो ये अभी गीली है, और जब ये सूख जाएगी पूरी तरह से तो ये दाल भी गीली नहीं रहेगी। तो ये देखिए इतनी सारी कौंसें हैं, अभी और भी आना बाकी है। और अब मैं मान लेती हूँ बर्तन देना लेकिन ना खेलो
ले लो ना, पंखा में ना लगा ले, देखो देखो तरपन नहीं फूट जाएगा। हाँ। तो गाइस आज मैंने बनाई थी सुबह ककोड़ा की सब्जी, लेकिन वो थोड़ी सी थी तो ख़त्म हो गई थी, और दो लड़के आए हैं काम करने के लिए हमारे घर पर, तो फिर वो नहीं पाए इतनी, तो फिर मैंने दूसरी सब्जी बनाई गिलकी की। तो सुबह रोटी कम बनी थी, तो मैंने सोचा कि रोटी बनाने में तो टाइम लगता है, तो मैंने सोचा पूरी जल्दी बन जाती हैं, तो मैंने पूरी बना दी उनके लिए। तो मैं बस उनको खाना देने जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 1:30, और आज पीयू और परम गए हैं झरना घूमने। उस टाइम पर मैं कुछ कर रही थी तो मैं लोग उनकी वीडियो नहीं बना पाई, तो उनका बहुत टाइम हो गया है और वो शायद आने वाले भी होंगे। तो अभी मैंने उनको खाना दे दिया है और मेरा भी खाना हो चुका है, तो अब मैं लगा रही हूँ एक साड़ी पर फॉल। देखिए दोस्तों ये ब्लैक कलर की साड़ी, और ये मैंने अभी ली थी तो इस पर फॉल नहीं लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर फॉल लगा लूँ। तो ये है इसकी फॉल, और मैं एक साइड लगा रही हूँ मशीन से और फिर दूसरी साइड लगा लूँगी सुई से। तो मैंने एक साइड फॉल लगा ली है मशीन से, और अब मैं दूसरी साइड लगाऊँगी सुई से। तो यदि पहली साइड मशीन से लगा लूँ तो जल्दी फॉल लग जाती है, नहीं तो यदि दोनों साइड सुई से लगाओ ना तो बहुत देर लगती है। पहले मेरी मम्मी लगाती थी फॉल, तो वो तो क्या करती थी कि दो सुई में धागा ले लेती थी, तो थोड़ा इस साइड और थोड़ा उस साइड, जिससे कि वो बैलेंस बना रहता था। यदि ऐसा करते थे कि यदि मान लो एक साइड लगा लिया आपने सुई से और फिर आप दूसरी साइड करोगे ना, तो फिर वो उसमें थोड़ा झूल आ जाता था फॉल में, तो फिर दोबारा से उसको निकालना पड़ता था। तो इस चक्कर में मेरी मम्मी क्या करती थी कि दो सुई लेके साथ साथ चलती थी, इसको थोड़ा कर लिया फिर उसको थोड़ा कर लिया, जिससे कि वो फॉल सही से लग जाती थी। तो आजकल तो क्या है कि जो काम है जल्दी करो बस, तो इस चक्कर में क्या है कि अधिकतर सब लोग मशीन से ही लगाते हैं फॉल। और मशीन से फॉल लगाने में फ़ायदा भी है कि जो नीचे का जो होता है ना साड़ी, वो यदि धागा मागा बीत जाता है बिछे वगैरह में, तो फिर उससे फॉल निकल जाती है। लेकिन यदि मशीन से लगाओ ना तो फिर ये दिक्कत नहीं आती, तो मैं तो मशीन से ही लगाती हूँ और अधिकतर लगवाती हूँ फॉल। लेकिन क्या है कि अभी तो सोचा कि चलो घर बैठे क्या कर रहे हैं तो फॉल ही लगा लें, तो इस चक्कर में बस एक ही साड़ी बची थी और तो मैंने 2-3 साड़ियों पर लगा ली थी फॉल। तो अभी शाम की बज चुकी हैं 5, और अब मुझे तैयारी करनी है खाने की। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सब्जी बनाऊं, क्योंकि हर हाउसवाइफ की यही समस्या है कि सब्जी क्या बनाए। यदि सुबह सब्जी बन जाती है तो शाम की टेंशन हो जाती है कि शाम को क्या बनेगी, और यदि शाम को बन गई जैसे तैसे तो फिर सुबह कि सुबह क्या सब्जी बनेगी। सब्जी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि किसकी सब्जी बनाए, और अभी तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है सब्जियों में, और आलू वगैरह तो इस सीज़न में अच्छे नहीं लगते हैं, तो हरी सब्जियों में भी गिलकी या लौकी है तो वो हर दिन तो खा नहीं सकते। अब देखती हूँ कि क्या मिलता है मुझे किचन में बनाने को। तो ये सब्जी मिल गई है बनाने के लिए, अरवी, मैं भूल गई थी कि अरवी रखी है, तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी। और अभी तो कद्दू भी रखा है, लेकिन कद्दू बनेगा सुबह, तो अभी मैं अरवी बना रही हूँ। अब मैं इसको बल्ले के लिए रख देती हूँ। तो अरवी की सब्जी बन गई है, और ये इधर दूध भी गर्म हो रहा है और रोटी भी मैंने सेंक ली है, और खाना बनाते बनाते शाम भी हो गई है, 7:45 बज चुके हैं। ये देखिए बाहर अंधेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अब शाम का टाइम हो गया है और मैं जला दूंगी दीपक। और देखिए ये जो लाइट लगी है इसमें, तो ये वीडियो बनाते टाइम ये कितनी प्यारी लगती है बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी।